बचपन में आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान मरता है तो वो तारा बन जाता है। ये हमारी कंसोलिंग स्ट्रेटजी थी अपने आप को समझाने की कि जब कोई हमारा अपना इस दुनिया में ना रहे तो हम किसी एक तारे को देखकर अपने आप को समझा सकें और उन्हें याद कर सकें। इंसान तो मरने के बाद तारे नहीं बनते, पर क्या आपको पता है कि हम सभी डेड स्टार्स से बने हैं। स्टार के कोर में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, जिसके थ्रू वो हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम और बाकी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और उसी की वजह से सारे स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन इतनी हीट और लाइट जनरेट कर पाते हैं। जब स्टार्स मरने लगते हैं यानी उनका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है, तब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से सारे आउटर लेयर के मैटर को इजेक्ट कर देते हैं और वही मैटर नए स्टार्स, प्लैनेट्स और इवेंचुअली गैलेक्सीज तक को बनाता है। हम सभी इसी तरह के बहुत से अलग अलग डाइंग स्टार्स से निकले एलिमेंट्स से बने हैं। सो देखा जाए तो ये कहना सही होगा कि तारे मर करके इंसान बन जाते हैं। अब पुरानी बातों की बात करें तो हो सकता है कि जो पानी आप पी रहे हो वो अर्थ और इस सोलर सिस्टम से भी कहीं ज्यादा पुराना हो और डीप स्पेस से आया हो। अब इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि इस अर्थ पर पानी आया कहाँ से। धरती पर पाया जाने वाला बहुत सा पानी स्पेस से आया है, क्योंकि उस पानी की एज हमारे सन से भी ज्यादा पुरानी है। अर्ली अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बौछार होती रहती थी, तो ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि इनमें से बहुत से एस्ट्रॉइड्स आइस से बने हुए थे और अर्थ पर बहुत से पानी का सोर्स वही आइसी डीप स्पेस एस्ट्रॉइड्स हैं। पानी बना कैसे? इन्हीं स्टार डस्ट से। जब स्टार के कोर से निकले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिले तो बना H2O, और वही H2O एस्ट्रॉइड्स के साथ अर्थ से टकराया। इसके अलावा अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत थिक और डेंस था और अर्ली अर्थ की रॉक्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट थी। इस थिक एटमॉस्फेयर के हाई टेंपरेचर और प्रेशर से अर्थ पर भी पानी का जन्म हुआ। ये दोनों ही तरह का पानी, अर्थ वाटर और स्पेस वाटर, दोनों ही अर्थ पर मौजूद हैं और आप बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते कि कौन सा पानी आप पी रहे हो। पर यह बात तय है कि ये पानी करोड़ों अरबों साल पुराना है। अब एक और अनबिलीवेबल चीज की बात करते हैं। एटम्स आर 99.9999999% एम्प्टी स्पेस। एटम्स जिनसे पूरा मैटर बना, पानी बना, वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। एटम के सेंटर में होता है छोटा सा न्यूक्लियस जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस टोटल एटम के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अगर हम न्यूक्लियस को एक पिनहेड के जितना माने तो एटम का साइज होगा एक स्टेडियम के बराबर। बड़ा सवाल यह है कि अगर एटम मोस्टली खाली है तो फिर हमें चीजें सॉलिड क्यों लगती हैं? यही आता है असली खेल। इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल जस्ट लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम एक साथ ठीक ठीक नहीं पता लगाया जा सकता। यानी कोई इलेक्ट्रॉन किस समय पर कहाँ होगा ये हम ठीक ठीक नहीं पता लगा सकते। इसीलिए इसे बताया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड से, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी कहते हैं। पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सिंपली घूमते नहीं रहते, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में कहीं पर भी हो सकते हैं विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, और यही इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड किसी एटम का मोस्टली सारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा वो ऑब्वियसली इस पर डिपेंड करेगा कि उस मैटर में पार्टिकल्स कितने टाइटली पैक्ड हैं। मैटर के डेंस या भारी होने की बात करें तो न्यूट्रॉन स्टार की बात तो करनी ही होगी। न्यूट्रॉन स्टार में मैटर इतना टाइटली पैक्ड होता है कि वो यूनिवर्स के सबसे भारी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्लैक होल नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं जब सुपर मैसिव स्टार मरते हैं और अपनी खुद की एक्सट्रीम ग्रेविटी से क्रश हो जाते हैं। ये इतनी एक्सट्रीम ग्रेविटी है कि इससे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इतने जबरदस्त फोर्स से न्यूक्लियस में आ जाते हैं और प्रोटॉन के ना चाहते हुए भी पास पास आ जाते हैं। इससे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और मैटर में सब कुछ न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जो काफी डेंस स्ट्रक्चर न्यूट्रॉन स्टार बना लेता है। इसीलिए सिर्फ एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार का वेट अर्थ पर अरबों खरबों टन होगा। न्यूट्रॉन स्टार के कोर में बनी इतनी एक्सट्रीम ग्रेविटी कंडीशंस की वजह से बनती है एक बहुत ही भयानक चीज, जिसे कहते हैं स्ट्रेंज मैटर। स्ट्रेंज मैटर को मैंने अपने एक रीसेंट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बताया है कि कैसे वो इस पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट कीजिए। खतरनाक चीजों की बात कर रहे हैं तो स्पेस से ज्यादा क्या खतरनाक हो सकता है? स्पेस है वास्ट, डार्क और अननोन। तो भी ह्यूमंस डीप स्पेस में हजारों किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, वहीं अगर बात अर्थ पर ही मौजूद ओशंस की हो तो यहाँ हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों है कि स्पेस में बहुत दूर जाना आसान है
बट हमारे अर्थ पर ही मौजूद ओशंस के तल में जाना बहुत मुश्किल। इसका सीधा और आसान जवाब है कि स्पेस भले ही डार्क और मिस्टीरियस हो, पर स्पेस में जाना आसान है। पर समुद्र के तल में जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, वैसे प्रेशर इतना इमेंसली बढ़ता जाता है कि कोई भी इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। समुद्र में नीचे जाने के लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रेशराइज्ड वेसल की जरूरत होती है, और तो भी कोई गारंटी नहीं कि वो प्रेशराइज्ड वेसल आपको इमेंस प्रेशर में फटने से बचा ले। लास्ट ईयर की टाइटन सबमरीन ट्रेजेडी तो हम सबको याद होगी ही। इसी वजह से हम ओशंस का बहुत ही छोटा सा पार्ट एक्सप्लोर कर पाए हैं। मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में 11,000 फीट डीप है, वहाँ ह्यूमंस अपनी जान हथेली पर रखकर जा तो पाए हैं, पर क्या ऐसा ही हम सारे ओशंस को मैप करने के लिए कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इट्स टू डेंजरस और वहाँ पर जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और यही चीज़ हमें ओशंस में जाने से रोकती है। तो शायद हम अपने आने वाले सालों में मार्स और मून पर कॉलोनी बना लें, पर अर्थ के डीपेस्ट पार्ट में जाना हमेशा बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। स्पेस और यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है? कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ और उसे यूनिवर्स का सेंटर कहा जा सके। असल में कोई यूनिवर्स का सेंटर है ही नहीं। पर यह हमें पता कैसे चला? 20th सेंचुरी में एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स डायनेमिक है और मूव कर रहा है, जिसे कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इसी से साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी को जन्म दिया। सभी कुछ, सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। बट इस मूविंग अवे का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको सभी तरफ से सभी कुछ दूर दूर जाता हुआ दिखेगा। इस नो सेंटर हाइपोथेसिस को प्रूव करता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो पूरे यूनिवर्स में एक समान है। अगर यूनिवर्स का सेंटर होता तो CMB एक जगह पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता और आउटर पोर्शन पर कम। यहाँ तक कि बिग बैंग भी स्पेस में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं हुआ। यूनिवर्स में सभी जगह पर एक समान बिग बैंग के इफेक्ट्स को देखा जा सकता है। बट इस बात का पक्का सबूत मिलना, पक्का प्रूफ मिलना अभी बाकी है। यूनिवर्स में हमारे होने की वजह है सन। क्या लगता है आपको सन का कलर क्या होगा? येलो? नहीं, सन का कलर है मोस्टली व्हाइट। सन हमें सिर्फ येलो दिखता है, जैसे आसमान पूरा ब्लैक होते हुए भी हमें ब्लू दिखाई देता है और शाम को ऑरेंज, येलो और बाकी मिक्स ऑफ कलर्स। वैसे ही सन व्हाइट होते हुए भी हमें येलो दिखाई देता है, और इसकी वजह है अर्थ का थिक एटमॉस्फेयर, जिससे लाइट पार्टिकल्स या फोटॉन्स टकराते हैं और रिफ्लेक्ट होकर येलो सन का इफेक्ट देते हैं। इस बात का एक और सबूत देखा जा सकता है कि जब सनलाइट स्नो से टकराती है तो आपको स्नो येलो नहीं वाइट दिखती है। सन तो वाइट है, पर हम क्या हैं? हम शायद एक जायंट बैक्टीरिया हैं जिसने एक ह्यूमन फॉर्म बना रखी है। हमारी बॉडी में होते हैं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको कहते हैं माइक्रोबायोम, जो ह्यूमन सेल्स को भी काफी पीछे छोड़ देता है। एक एवरेज ह्यूमन में अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स होती हैं, और वहीं पर बैक्टीरियल सेल्स का नंबर होता है 40 से 50 ट्रिलियन। यानी कि एक ह्यूमन सेल पर 1.3 बैक्टीरियल सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि हम ज़्यादा बैक्टीरिया हैं या ज़्यादा ह्यूमन। बट आप इस कंक्लूजन पर पहुँचे उससे पहले, एक ह्यूमन सेल का साइज़ किसी बैक्टीरियल सेल की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होता है। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि हम एक बैक्टीरिया हैं या ह्यूमन। एक और बात जानकर शायद आपको अचंभा होगा कि बनानास आर रेडियो एक्टिव स्लाइटली। बनाना में होता है पोटेशियम, और इस पोटेशियम का बहुत छोटा सा पार्ट रेडियो एक्टिव हो सकता है। यानी ईटिंग बनाना कैन एक्सपोज यू टू टाइनी अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन। बट इससे पहले कि आप मुझे फियर मॉन्गरिंग या डर फैलाने वाला घोषित कर दें, मैं आपको बता दूं कि ये रेडियो एक्टिव पोटेशियम बहुत ही कम अमाउंट में होता है। यानी परसेंटेज ऑफ पोटेशियम 40 इन नेचुरल पोटेशियम इज अप्रोक्सीमेटली 0.012%। यानी कि एक बनाना में अप्रोक्सीमेटली अगर 450 से 470 मिलीग्राम पोटेशियम हो, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से रेडियो एक्टिव पोटेशियम होगा सिर्फ 0.05 मिलीग्राम, विच इज वेरी वेरी सेफ एंड हार्मलेस अमाउंट फॉर योर बॉडी। सो बिंदास होकर बनाना खाइए, आपको रेडिएशन का इफेक्ट बनाना से तो नहीं होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनबिलीवेबल फैक्ट है कि DNA, जो आपकी मेरी हम सबकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे डेटा स्टोरेज की तरह बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली DNA में बहुत सारा डेटा स्टोर किया है। अब DNA को हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं डेटा स्टोरेज के लिए? क्योंकि DNA हमारा जेनेटिक डेटा तो स्टोर करता ही है, और बहुत एफिशिएंटली और बहुत डेंस तरीके से वो डेटा स्टोर करता है, जो आउट परफॉर्म करता है बाकी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस को। तो फ्यूचर में हम डेफिनेटली देखेंगे कि DNA को एक डेटा स्टोरेज डिवाइस की तरह भी यूज किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है।
डीएनए में होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एक बाइनरी कोड को स्टोर करने के लिए एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लगता है। अब ईच न्यूक्लियोटाइड पेयर कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी कोड 0 एंड 1, यानी 00 माइट बी रिप्रेजेंटेड एज AT, 01 एज AG, 10 एज TC एंड 11 एज TG। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के बेसिस पर बाइनरी डेटा यानी डिजिटल डेटा को आसानी से और एफिशिएंटली स्टोर किया जा सकता है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। डीएनए के बारे में तो हमने जान लिया कि ये स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज किया जा सकता है, पर क्या आपको पता है कि हम में और एक चिंपैंजी में 99.4% डीएनए सेम है? यानी हमारे और एक चिंपैंजी में डीएनए वाइज डिफरेंस है सिर्फ 0.6% का। तो भी हम ह्यूमंस इस अर्थ पर डोमिनेंट स्पीशीज कैसे हैं, इस अर्थ पर लाइफ क्यों है और कैसे है, इसको मैंने एक पूरे वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो फैसिनेटिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल लॉजिकल आई एम को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के फैसिनेटिंग वीडियोज हर हफ्ते लाते रहते हैं और हमारे इस छोटे से चैनल को बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है।